Assalamu alaikum. Welcome to Idea Karodon ka, Pakistan's first business reality show. Ek bada interesting statistic batane laga hoon main aapko aaj. Kareeban Pakistan mein jo kul abadi hai hamari, uska 48% 48% auratein. Jisme se sirf last census ka jo statistic hai wo ye batata hai, kareeban 22 se 22.5% aisi auratein jo workforce ka hissa hain. Baki are an economic burden on this country. Why? Lekin yahan Idea Karodon ka pe aisi companies aa rahi hain जो के आर मेनली विमेन रन, दे विमेन लेड, ऐसी औरतें जो बड़ी यंगर एज में लीड कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर एक सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाल रही हैं. ऐसी ही एक कंपनी आज हमारी पहली पिच करेगी यहाँ पे और इसको मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इवेल्युएट भी करेंगे. पर सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई इन्वेस्टर्स. नईम जिम्मेदार, CEO एक्यूमन. नईम, वेलकम टू द शो वंस अगेन. यू आर आवर फ्रेंड, स्टे आवर फ्रेंड ऑलवेज. सलीम गौरी, the lovely Salim Ghori, CEO of NetSol. Salim, thank you for being on the show once again. And Dr. Omar Saif, thank you very much, sir, once again for being on the show. Aaj ki hamari ek investor is someone very special. It's someone who's flown all the way from the US. Aur Pakistan ke, hum safely keh sakte hain ke Silicon Valley se Pakistan ke andar pehli real investor, aur wo bhi ek aurat. उनके बारे में बाकी बातें मैं बाद में करूंगा. पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं. मैं चाहूंगा आप सब मिल के उनको मेरे साथ इनवाइट करें इस शो पे. आशा जडेजा मोतवानी प्लीज. Thank you for having me on the Thank show. Thank you for coming all the way. Absolutely. I know I'm not all the way. I'm actually already in Lahore. In Lahore, and, okay. But I'm happy to delighted to be here because I'm already involved in the Pakistani startup ecosystem. बिल्कुल सही बात है. And I'm really honored and thrilled to be here. We are honored. आप क्या time निकालना, because I know you're here for several other things. लेकिन आप आई हैं और हमारे शो पे वक्त दे रही हैं, इतना बहुत शुक्रिया. अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे क्या पता आपको कंपनी पसंद आ जाए. एंड यू मे जस्ट इन्वेस्ट, सुने आपके बारे में, यू इन्वेस्ट व्हेन यू लाइक समथिंग, एकदम आप कर देती होती हैं. आपके बारे में बहुत सी अच्छी बातें और भी सुनी, फिर उमर मुझे बता रहे थे बहुत सी आपके बारे में इंटरेस्टिंग बातें पहले शो. मैं की आशा के लेट हस्बैंड को जानता हूँ. उनका नाम प्रोफेसर राजीव मोतवानी था और जब मैं MIT में था तो वो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हुआ करते थे. बहुत मशहूर प्रोफेसर थे, लेकिन उनकी शोहरत का जो सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो ये था कि उन्होंने वो एल्गोरिथम लिखा था जिसके ऊपर गूगल बना है. तो सबसे पहला रिसर्च पेपर जो गूगल के एल्गोरिथम पे लिखा गया वो राजीव मोतवानी ने लिखा था. और उमर क्लियरली ये और इनके हस्बैंड, दे आर स्टेक होल्डर्स इन गूगल. गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है जिसमें ये स्टेक होल्डर्स हैं. और एक्चुअली आशा इज कॉल्ड एज द मॉमी एट गूगल. तो ये वहाँ पे सारे इनको अपनी वालदा की तरह ट्रीट करते हैं और इनको वही रिस्पेक्ट दी जाती है. True, that is true. I guess we, because we were there from the ground up, right? And we were a husband wife team. So Google, PayPal and Pinterest also, you know. Wow. Google में, PayPal में, Pinterest में, सब में इनके stakes हैं जी. माशाल्लाह, क्या बात है. Thank you आशा for being on the show. I think बहुत मजा आएगा आपसे बात करने का. That seat is waiting for you. आज का शो शुरू करते हैं. एक ऐसी कंपनी है जो विमेन लेड कंपनी है प्राइमरली, उसके बारे में वो क्या करते हैं, आई मैं उनका छोटा सा आपको एक कहानी दिखाने लगा हूँ. उसके बाद आई एम कॉल देम हियर एंड देन दे एंड द इन्वेस्टर्स विल फाइट अमंगस्ट देमसेल्व्स एंड लेट्स सी हु विंस. आए देखते हैं कहानी घर पर की. घर पर एक ऐसा ब्यूटी सैलून जो खातिन को साफ, शफाफ और खुशगवार माहौल में ब्यूटी सैलून की सर्विसेज प्रदान करता है, जहां मुख्तलिफ इकसाम के फेशियल्स, मेकअप, स्टाइल्स और ब्यूटी केयर सर्विसेज शामिल हैं. घर पर पाकिस्तान का पहला अदारा है जो ब्यूटिशियंस को हर टिकट साइज में से 70% देता है. जो ब्यूटिशियन हमें ज्वाइन करती है, हम उनके हुनर में इजाफा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं कि उनकी जो हुनर है वो सैलून लेवल के ऊपर जाए. घर पर अपनी नौयत का खूबसूरत ब्यूटी सैलून है जो हिफ्जाने सेहत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए मेकअप और सर्विसेज टूल्स को अपने कस्टमर्स की मौजूदगी में इस्तेमाल करता है. हमारे ऑपरेशन सितंबर में शुरू हुए थे और अब माशाल्लाह से हमारे पास 31 ब्यूटिशियंस हैं एक्टिव. हमारी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सितंबर तक हमें कम से कम 100 ब्यूटिशियंस चाहिए होंगी डिमांड को मीट करने के लिए लाहौर के अंदर खाली. इस मुनफरद ब्यूटी सैलून का वेब पोर्टल दीगर मतलूबा मालूमात फाहम करता है, जिस पर कस्टमर की अपॉइंटमेंट्स भी रजिस्टर की जाती हैं. इसके अलावा कस्टमर्स को उनके घर जाकर सर्विसेज देना ब्यूटी सैलून की अहमियत और खुसूसियत को मुमताज बनाता है.
आए लेट्स इनवाइट घर पर की टीम को और उनकी पिच सुनते हैं। So, घर पर स्टार्टअप योर पिच इन्वेस्टर्स प्लीज बिगिन। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब, नईम साहब, आशा जी। वी आर द घर पर फाउंडर्स शमीला, अरूज, मेविश एंड फरीद। और आज हम आपसे 10% एक्विटी के बदले में 5 करोड़ रुपए मांगने आए हैं। आपकी ये वैल्यूएशन की क्या बुनियाद है ये समझ नहीं आया। 5 करोड़ से करेंगे क्या? तो 5 करोड़ से हम करना क्या चाहते हैं, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है, वो है स्केल, स्केल और स्केल। हम पाकिस्तान के शहरों में जल्द से जल्द जाना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ लाहौर में हैं एंड वी हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वी वांट टू गो टू 3 टेरिटरीज एक ही टाइम पर। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी बात है कि हमें टेक टीम को फर्दर स्ट्रेंथन करना है और उसके लिए हमें सबसे ब्राइटेस्ट टैलेंट पाकिस्तान को घर पर के प्लेटफॉर्म पर लाना है। और तीसरी चीज़ है डेटा। मुझे क्या श्योरिटी आप देंगे कि ये टीम इकट्ठी रहेगी, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल है। आपका एज भी ये टीम ही है। आपकी सक्सेस जो सो फार मैं देख रहा हूँ, इतना क्विक जो आपने प्रोग्रेस किया वो ऐसे नहीं हुई। डेफिनेटली आप चारों ने बहुत इस पर मेहनत की है। मुझे आप क्या श्योरिटी देंगे एज ए इन्वेस्टर कि आप इकट्ठे हैं और आप गड़बड़ नहीं करेंगे आपस में? हमारे पास सबसे ज़्यादा श्योरिटी ये है कि जो हमारी टीम है वो ऑर्गेनिकली इकट्ठी हुई है। तो मेरी एक्सपर्टीज़ है स्ट्रैटेजी और फाइनेंस में, इसकी एक्सपर्टीज़ है रिसर्च और ऑपरेशंस में, रूट की ऑपरेशंस, रूट की एक्सपर्टीज़ है मार्केटिंग में, और शमीला की एक्सपर्टीज़ है कॉस्मेटोलॉजी में। तो और हम ऑर्गेनिकली इकट्ठे हुए हैं। तो अगर कोई और इस आइडिया को कॉपी करना चाहे तो वो पैसे भी डाल दे और वो 4 लोगों को भी ढूंढ ले जिनकी ये एक्सपर्टीज़ है। लेकिन 4 फर्क अफराद को एक टीम में डालना is a completely different proposition. देखिए, अगर आपकी पहले साल में रेवेन्यू 6 करोड़ रुपया जो आपने फरमाया है उसका 30% आपके पास आता है 2 करोड़ रुपया, उसका 10% इनको मिलेगा 20 लाख रुपया। ये तो आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इनको कब वो पैसे वापस मिलेंगे और कब रिटर्न मिलेगा? जी आप देखें, अब हम इन्वेस्टमेंट ही इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम 4 और शहरों में जाना चाह रहे हैं। तो अब पहले साल में 62 हुआ, अब सोचें अगले साल हम 4 और शहरों में हैं तो 5 शहरों में, तो ये 62 से 300 हो गया। और लाहौर के अंदर भी ग्रोथ हो रही है उसी टाइम पे, तो वो 300 से 400 हो गया। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट एक एक्सेलरेंट होगी जिसकी बिना पे हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे और भी ज़्यादा औरतों को एम्पावर कर सकेंगे। और ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। Can we come to an offer if you want what to you place say, any? Say you. No, yes, नहीं। मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लगी, राइट? लेकिन वही बात है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकूं। मैं तो 1 करोड़ रुपए तक जा सकता हूं। ठीक है। और 10% कितने? सॉरी, 1 करोड़ रुपए आप ऑफर प्लेस कर रहे हैं? 1 करोड़। मुझे कंपनी बहुत पसंद है और आइडिया हो सकता है खरबों का भी हो और पोटेंशियल है, बट लेकिन रिस्क बहुत हाई है क्योंकि स्टेज अर्ली है, सो कॉम्पिटिशन भी बहुत आने वाला है। और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ कि इसको फिर ग्रो किया जाए इसको, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वेंचर कैपिटल का सिलिकॉन वैली में और पाकिस्तान में कंपनियों बनाने का, आई कैन पुट इट टू वर्क फॉर यू गाइस, राइट? बट 1 करोड़ रुपए ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 1 करोड़ आपके ऑफर जी। अगेन अगेंस्ट 1 करोड़ फॉर व्हाट? दैट्स वेरी गुड, दैट्स अ गुड ऑफर। सॉरी, 10% कंपनी के हिस्सा पे 1 करोड़ रुपया, दैट्स योर ऑफर राइट नाउ? दैट्स माय ऑफर। Crore rupiah, $100,000 for 10%. So for me, I feel that, you know, I really like the company, I like the team. Actually, I'm very confident about the team. I also feel that they're going to be together, they'll pull this off, they will pivot quickly. Aapki kya offer? Look, definitely like the group, no doubt. Meri capacity limited hai, I definitely want to get with the group, I want to become their partner. I like to invest 2 crore rupiah, but for 20%, not less than that. 2 करोड़ रुपया, but 20% of that. 20%. So same valuation actually. Yeah, valuation. That is same. 2 करोड़ भाई. That's 1/5 of the valuation that you were asking for. 2 करोड़. But remember, I'm a good partner. I bring a lot of value beside the money. There's a lot of charm I bring. You know, my personal. जी आप देखें, लेकिन आप 20% of the company भी मांग रहे हैं। हम 20% नहीं दे सकते इस टाइम पे with our due. अगर आप 2 करोड़ करते तो कितने फीसद आप देते?
if as a company? We can come down to 2.5 against 10%. 2.5 crore, 10%. 10% equity ke liye. Salim, aap kitna upar ya niche aa sakte? Dekhiye, aapki baat ka jawab mere paas ye hai ki abhi aap 20% denge, lekin as you grow with this money, आप लेस में ज़्यादा पैसे रिस्क कर लेंगे क्योंकि आपका धन बिगर इन एंड बिगर होगा आपका. यू विल हैव मोर सिटीज टू वर्क फॉर. हम बहुत ऑनर्ड हैं कि हम आप जैसे इन्वेस्टर्स की सोबत में आए हैं और आप लोगों ने हमें इतनी प्राइसलेस एडवाइस दी है, लेकिन हमें आपका ऑफर जो है डिक्लाइन करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. दो आई थिंक इट्स अप्रिशिएटेड. आई रियली बिलीव दैट. आई थिंक उनके पास अपना रोड मैप है जी, और उस पे चलना चाहते हैं. रियली विश देम वेल. आई बिलीव दिस इज वन कंपनी, वन ग्रुप व्हिच विल रियली मेक अ स्पॉट इन द फ्यूचर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू. एटलीस्ट मेरे नेल्स हो जाएंगे इन फ्यूचर. गाइस थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू बड़ा अच्छा था ये. दिस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी. गुड लक. थैंक यू. गुड लक. थैंक यू वेरी मच. अब हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं. हमारे साथ रहिएगा आइडिया करोड़ों का देखते रहें. जी सर, मैं एक पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ साथ ट्रेनर भी हूँ, साथ साथ राइटर हूँ और ऑथर भी हूँ और पीस एम्बेसडर हूँ. और साथ मुझे भी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, पाकिस्तान बेस्ट जेंडर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी ऑफ दिस ईयर. वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का. पाकिस्तान के सुपर हीरोज वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी अचीवमेंट से, अपने सक्सेसेस से और अपने इनिशिएटिव से पाकिस्तान के यूथ के लिए, हम सब के लिए कोई ऐसा मोटिवेशन और ऐसी कोई चीज़ बनाई होती है जिससे हमें लगता है कि हम बहुत कमाल कर सकते हैं खुद भी, सिर्फ उनकी कहानी सुन के, सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स देख के. ऐसे ही एक साहब हैं जिनका नाम है खुर्रम, जिन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेसेस में बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान में. सबवे का नाम सुना होगा आपने. आई थिंक आई कैन सेफली से ही मे बी ओनिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ सबवेज इन पाकिस्तान. पर उनकी कहानी क्या है मैं पहले वो आपको दिखाऊंगा और फिर मैं आप बुलाऊंगा उनको सेट के ऊपर, हम बात करेंगे उनसे. आइए उनकी कहानी देखते हैं. खाना इंसान की जिंदगी की एक अहम जरूरत है और अगर इसमें लज्जत हो तो और क्या चाहिए. ऐसा ही लज्जतदार खाना इटालियन रेस्टोरेंट टस्कनी का है. हमने पहले तो क्विक सर्व रेस्टोरेंट से स्टार्ट लिया अपना करियर का, विजय सबवे. फिर जो हमारा ड्रीम कम ट्रू था, आज से 5 साल पहले 2012 के अंदर हमने इस्लामाबाद में एक ब्रांड अपना एस्टेब्लिश किया इटालियन रेस्टोरेंट का, बाय द नेम ऑफ टस्कनी कोर्टयार्ड. 25 साल की उम्र में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कदम रखने वाले खुर्रम खान ने ये कारोबार 15 साल पहले अपने वालिद से कुछ पैसे बतौर कर्ज लेकर शुरू किया, जिससे उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार सबवे का ब्रांड मुतारिफ करवाया. सबवे की कामयाबी के बाद उनके शौक और जज्बे ने उन्हें टस्कनी नामी इटालियन रेस्टोरेंट खोलने पर कायल किया, जिसका शुमार इस्लामाबाद और लाहौर के बेहतरीन इटालियन रेस्टोरेंट में होता है. मुझे आज भी याद है कि जी जब हमारा पहला रेस्टोरेंट था सबवे, बड़े ऑर्डर्स की डिलीवरीज आती थी तो मैं और मेरा भाई, चूँकि सिस्टम नहीं थे इतने स्ट्रॉन्ग, पहला रेस्टोरेंट था, लिमिटेड स्टाफ था, तो हमने 30-30 सैंडविचेस की खुद जाके दोनों भाइयों ने डिलीवरीज भी लोगों के ऑफिस में की हैं. आइए खुर्रम से मिलते हैं. खुर्रम, why सबवे? सबवे एक्चुअली यूज टू बी मेरा और मेरे भाई का फेवरेट फूड हुआ करता था व्हेन यू वी यूज टू बी इन इस्लामाबाद. तो ऑलमोस्ट एवरी डे हमारा लंच सबवे से आता था. तो एक दिन न्यूज़पेपर ऐड मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि दे वर सीकिंग फॉर फ्रेंचाइजीज फॉर पाकिस्तान. तो फिर वी अप्लाइड फॉर द फ्रेंचाइज, कुछ नहीं था ऑर्डर ब्लू, फ्रेंचाइज अप्रूव हो गई. देन हम अमेरिका गए ट्रेनिंग के लिए, ऑन हैंड मैंने और मेरे भाई ने ट्रेनिंग ली. वापस आए, वापस आके लाहौर एमएम आलम रोड से हमने अपना शुरुआत की. एमएम आलम रोड वाला सबवे आपका? सबवे जी, दैट वाज माय फर्स्ट सबवे और लाहौर का भी पहला सबवे था. और बस उसके बाद फिर काफ़ी मुश्किलात भी आईं. उसके बाद टस्कनी वाली कहानी जो शुरू हुई. टस्कनी के पीछे एक हिस्ट्री ये है जी, जब हमने सबवे की फ्रेंचाइज ली
उससे पहले हम एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोल चुके थे और मैं और मेरा भाई बाय द नेम ऑफ टिफिन्स बिल्कुल सबवे मालम के साथ था और वो रेस्टोरेंट हमारा पूरे 10 महीने के बाद एग्जैक्ट सेम डे बंद हो गया और वो चूँकि हम बहुत यंग थे मैं 25 साल का था भाई 27 का था तो हमारा तजर्बा इतना नहीं था और आज जो मैं जो भी कुछ हूँ मैं उस रेस्टोरेंट के बंद होने की वजह से कि 9 साल मैं सोचता रहा कि ये मेरा फेलियर इन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट क्या हुआ वो सारी हर रोज़ रात को सोने से पहले आई यूज़ टू थिंक कि मैंने कहाँ 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 गलती की फिर 2012 में मैंने अपने वाले साहब से बिगनिंग ऑफ 2012 में मशवरा किया जी आई वॉन्ट टू ओपन फाइन डाइन अगेन बट इन इस्लामाबाद तो ही वॉज द वन हु सपोर्टेड मी उन्होंने कहा नहीं नाउ यू कैन डू इट एंड यू शुड डू इट कुछ सवाल Anything that you want to say to सवाल बहुत बड़ा है जी सवाल के बाद तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं ऐसे थोड़ी जानेंगे मुझे ऐसा लगता है कि फूड बिजनेस मुश्किल है और हर रोज़ आपको खाना अच्छा बनाना है यानी एक दिन में अगर आपने खाना आपका नहीं उस क्वालिटी का तो वो कस्टमर वापस नहीं आएगा ये चीज़ मुझे दूर रखती है मेरा ख्याल ये अच्छा बिजनेस है और इसमें बहुत ज़्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज है लेकिन मैं डरता हूँ मेरा डर हटाए किसी तरह सर देखिए बिज़नेस तो सिंस आप तो यू योर सेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन बिज़नेस के अंदर तो फेलियर आपने कहा फेलियर मेरे भी बहुत हुए कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो बंद हो गए जैसे मैंने डिफेंस का बताया बट अब हम इस लेवल पे आ गए एक तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब इट इज़ 24/7 जॉब पूरा दिन आपने खुरम हर वक्त नज़र आते हैं अपनी ब्रांचेस पे अगर मैं इस्लामाबाद आउटलेट को छोड़ के इधर आया हूँ तो मैं अपनी रिप्लेसमेंट एक देख रहा हूँ मेरा जनरल मैनेजर इज फ्रॉम जॉर्डन जो मुझे रिप्लेस कर रहा है बट यू हैव टू बी Present all the time. I have a question for you. मैं पालो आल्टो में बहुत साल पहले मैंने एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट किया था उसका नाम था जुनून और जुनून था उसका नाम रेस्टोरेंट का पालो आल्टो में कैलिफोर्निया में और वहाँ हम वी फाउंड आउट दैट अवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एक्चुअली was in our liquor license. Now this is clearly not you know not possible here right so in your business right now in the food business what part is the biggest profit generating either the beverage section is the beverage. highest profitable Achha. business part of the profitability beverage section is but hamara mashallah kaam bahut acche scale pe hai to every department is doing good but beverage section is supposed to be the highest profitable section right. Here also. मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है वो ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है ख़ासतौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो रही है ये वो सारा कुछ आप बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेते हैं रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं आपने सारा पैसा ना पाकिस्तान में लगाया वाई पाकिस्तान मेरे हिसाब से जी सबसे लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट आजकल के ज़माने में पाकिस्तान से बेहतर मुल्क पोटेंशियल है पाकिस्तान मुझे तो कोई धक्के मार के भी बाहर निकालेगा पाकिस्तान से मैं नहीं निकल जाऊँगा Thank you very much for coming on the show. Pleasure. Take care of yourself. Thank you. Thank you. पाकिस्तान की यूथ में हिम्मत की कोई कमी नहीं है आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं आपको अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें ऐसा ही एक 17 साल का बच्चा जिसकी मैं आपको अभी कहानी दिखाऊंगा फिर मैं बुलाऊंगा उसको यहाँ पे उसको देख के वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है हालांकि वो फिजिकली चैलेंज्ड है अवार्ड विनर है उसकी किसी चीज़ किसी भी कमज़ोरी ने उसके रास्ते में नहीं आ सकी ये वो कैसे करता है और क्यों करता है ये हम उससे यहाँ बुला के उससे सुनेंगे पर उससे पहले आप उसकी ज़रा कहानी देखिए नहीं हूँ ना उम्मीद अपने हालात से मैं कुछ करके दिखाऊंगा जमाने को एक रोज मैं मुइज़ शौकत एक अजीम दास्तान का नाम जिसने कम उम्र में अज़्म और कामयाबी की आला मिसाल कायम की जब मैं स्कूल गया पहली बार तो मुझे एक लेबल दिया गया एक डिसेबल बॉय जो अपने आप नहीं चल सकता माजूरी को अपनी कमजोरी बनने न दिया बल्कि खुद एतमादी ने मुतअद्दिद अवार्ड का मालिक अमन का सफी मोटिवेशनल स्पीकर और मुसन्निफ बना दिया ये मेरे बहुत एक चैलेंजिंग था कि मुझे मेरा नाम से बजाय मुझे डिसेबल बुलाया जाता था आगाज में मुइज़ शौकत का मर्ज
मालूम ना हो सका, लेकिन दौरान तशखीस मर्ज तो मालूम हो गया मगर इलाज सवालिया निशान बन गया। अगर बच्चे कोई डिसेबल हो तो उसके वालदैन को चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आए बुलाते हैं मरीज को। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लाश उधर आप सुनाए। मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन तुम तो कमाल चीज़ हो यार, तुमने तो अवार्ड ले लिए हैं वो जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। कमाल हो गया सर। बट अल्लाह थी बहुत, अल्लाह ने बहुत मेरी मदद की। अल्लाह क्यों इतनी हिम्मत है जी इसमें? आप, मैं आपकी वालदा से पूछ सकता हूँ जी? जरूर। कि आपने क्या इसको खिलाते हैं बचपन से? बस ये अल्लाह की करम है, इसमें किसी की कोई कोशिश नहीं इतनी, ये अल्लाह ताला का रहमत है कि इसने कभी नहीं कहा कि मैं कुछ, मुझे कुछ है, ये कहता मैं नॉर्मल सा हूँ। क्या क्या कर लेते हो बेटा आप? आई हैव हर्ड आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जी सर, मैं एक पाकिस्तान का मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ साथ ट्रेनर भी हूँ, साथ साथ राइटर हूँ और ऑथर भी हूँ और पीस एम्बेसडर हूँ, और साथ में मुझे भी रिसेंटली एक अवार्ड मिला है पाकिस्तान बेस्ट जेंडर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी ऑफ दिस ईयर। सवाल आपके पास है, मैं तो आई एम स्पीचलेस, सच अ पर्सनैलिटी एट 17, 17 साल का ये। जब ये बोल रहा था तो इनकी वालदा की आंखों में जो एक प्राइड है वो काबिले दीद है। अल्लाह इसको हिम्मत दे और कामयाबी दे, और आपको और हिम्मत दे ताकि आप इसको ज़िंदगी में और आगे लेके जा सकें। मैं तो चाहूँगा कि मोइज़ और आगे बढ़े और जगह जाए और लोगों को बताए कि यार हालात पे नहीं होता, ये आपकी अपनी हिम्मत है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मोइज़, मैं तो आपको सलाम करता हूँ, आई डू सल्यूट यू एंड वेरी प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे और आप बहुत कुछ करो इस मुल्क के लिए। आशा, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मोइज़ जी, आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप जब थोड़ा और ओल्डर हो के जब अपनी बिजनेस बनाए तो आपको क्या बिजनेस करनी होगा? व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? क्या करना चाहोगे? कुछ बिजनेस करो तो मेरा आगे जो प्लान है, मेरा है प्लान कि मैं ओ लेवल के बाद ए लेवल जाऊँगा, उसके बाद मैं आईटी फील्ड में जाऊँगा। आईटी की फील्ड? जी आईटी। मेरा ये प्लान जब मैं था बच्चा था तब से मेरा प्लान, मैं आईटी के फील्ड में जाऊँगा। आहिस्ता तब मेरा ये ख्याति जी आईटी फील्ड में जाना है। जब मुझे सर उमर साहब, मैं देखता हूँ जब पहली बार उनके बारे में सुना बहुत, तो मैंने फिर आपके बारे में सुना, सर सलीम के बारे में बहुत सुना, तो मैंने कहा जी इनसे मैं मतलब कहूँ जाते सर मुझे आप गाइड करें, मतलब आईटी फील्ड में जाना है तो आज क्या जानना है? क्योंकि मुझे, मैं तुम मानता हूँ मैं कंप्यूटर में बहुत वीक हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये है जी मैंने बनना है आईटी के फील्ड में जाना है मैंने। आप आईटी के पास ही जाएंगे, आईटी आपके पास आएगी। मैं वेट करूँगा आपका और शायद आप मुझे अपना पार्टनर बना लें। सर मैंने एक सॉन्ग है मेरा। क्या सॉन्ग है? जी गाना, जो मेरी पूरी लाइफ की समरी है। तो यू वांट टू सिंग दैट सॉन्ग? या श्योर, इफ यू ऑल अलाउ मी। यस प्लीज, वी वांट टू सिंग अ सॉन्ग। यस लेट्स लिसन टू योर सॉन्ग। है जज्बा जनूनो तो हिम्मत नहा जुत जूजो चरे वो छुए आसमान मेहनत अपनी हो जी पहचान सभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान सभी ना भूलो। सही है, मेरा जाने तो मकसद था। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे शो पे आए। इसको हम कैन गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। अब हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहें, वापस आते हैं तो फिर एक पिच सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा, आप 1.5 करोड़ रुपए की जो इनकी डिमांड है ऑफ सेटिंग अप अ फैब लैब इन पाकिस्तान, आप वो पूरा करना चाहती हैं इनके साथ?
वेलकम बैक टू आइडिया करोड़ों का। आज की आखिरी पिच जो है वो एक बहुत डिफरेंट स्पेस में है। ओबामा ने अपनी गवर्नमेंट में, जब वो थे अमेरिका में, अपने टेन्योर में कई बार इस तरह के मेकर फेस्ट करवाए अपने व्हाइट हाउस के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बात प्रमोट की कि लोग क्यों ऐसी चीज़ें खुद नहीं बनाते जिसके लिए वो जाके बाजार में किसी सर्विसेज लेते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जो चीज़ आप खुद बना सकते हैं वो खुद बनाएं, हम सब उनको इनेबल कर दें। इस पूरी मूवमेंट को मेकर्स मूवमेंट कहा जाता है। पाकिस्तान में ये चीज़ अभी शुरू नहीं हुई, अफ्रीका में हुई है, इंडिया में बड़े स्केल पर हुई है, पाकिस्तान में अभी नहीं हुई। पर एक ऐसी कंपनी आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनका नाम है DIY Geeks, जो इस मेकर मूवमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स से वो इस बात पे उनको कन्विंस करने आ रहे हैं कि वो इस मेकर मूवमेंट के एंकर इन्वेस्टर्स बने। तो आइए देखते हैं उनकी कहानी और फिर सुनते हैं उनकी पिच। डू इट योरसेल्फ ये मिशन है बाहिम्मत पाकिस्तानी नौजवानों का, जिन्होंने एक ऐसी किट तैयार की है जिसका इस्तेमाल जिंदगी के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले सारिफीन कर सकते हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई और हम वहाँ पर लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह वो अपनी रोजमर्रा की चीज़ों को किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह उनसे रोबोट्स बना सकते हैं। उसामा आबिद और उनके साथियों का ये किट बनाने का मकसद पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर मुतारिफ करवाना है जिसमें सार्फीन दूसरों पर इन्हसार करने के बजाय इस किट के इस्तेमाल के जरिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हर काम खुद कर सकें। अब हम लोगों की एक नई एज आ रही है जिसके अंदर एक छोटा बच्चा एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी खरीदने के बजाय खुद एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी बना सकता है और उसको अपनी आंखों के हाथों के इशारों से चला सकता है। ये एक ऐसी किट है जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से जिंदगी के रोजमर्रा मामलात को इंतहाई आसान बना दिया है। इस किट के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात के लिए किट के साथ एक बुकलेट भी दी गई है जिसमें इस किट को ऑपरेट करने का तरीका का तस्वीर की मदद से बयान किया गया है। ये हम लोगों ने 3D प्रिंट के लिए 3D मॉडल डिजाइन किया सॉफ्टवेयर के अंदर और फिर हमने उसको इस टूल के अंदर भेजा और ये प्रिंटर अब उस चीज़ को प्रिंट कर रहा है और कुछ यूं इस तरह का प्रिंट हमारा अब तैयार होकर बाहर आ गया। उसामा आबिद और उनके साथी अपने इस काविश को टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहला कदम समझते हैं और मुस्तकबिल में इस जैसी मजीद मसनूआत मुतारिफ करवाने के लिए पुरअज़्म हैं। आए उसामा और उनकी टीम से मिलते हैं। उसामा, ऑल सेट? जी। इन्वेस्टर्स आप शुरू करें। मैं पाकिस्तान के अंदर मेकर मूवमेंट लाना चाहता हूँ और इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। हम एक डायलेमा को सॉल्व करें तो मेरा जो आइडिया है वो एक पाकिस्तान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और एट द सेम टाइम वो ग्लोबल एक बहुत बड़ी मूवमेंट के अंदर एक एडिशन कर रहा है। तुम्हारे नंबर्स पीछे आ रहे हैं, इनको एक्सप्लेन करो एंड देन आई लेट द इन्वेस्टर्स डिसाइड। ठीक है, तो अब मैंने इसके लिए किया ये है, मैं लोगों को सेल करता हूँ अपनी डिफरेंट DIY किट्स और उन किट्स से लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। आपकी आस्क क्या है? और मेरी आज 1.5 करोड़ पे है और मैं इसको यूज करना चाहता हूँ एक फैब लैब बनाने के लिए पाकिस्तान में, मेकर स्पेस बनाने के लिए। आपको लगता है आप एक ऐप बना देंगे, आप पूरा एक मेकर स्पेस बना लेंगे आप? बिल्कुल, उसमें हम लोग एक बेसिक सी मेकर स्पेस बना लेंगे, देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ डूइंग बिजनेस के उसी के रेवेन्यू से हम उसको मल्टीप्लाई करें, उसकी मार्केटिंग करें। तो हमारी जो किट्स की सेल्स है ये सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल है, बिकॉज अभी तक जितने भी इस तरह के बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं ग्लोबली वो रेवेन्यू पॉजिटिव है। आप इसके अगेंस्ट कितनी इक्विटी देना चाहोगे, कितना बिजनेस का शेयर देना? 10-15% 10-15% आप देने को तैयार हो 1.5 करोड़ रुपए के लिए? आपके इस इन्वेस्टमेंट के बाद 1.5 लाख डॉलर क्या इसके बाद होएगा, क्या क्या कर पाएगा? मेरी इस साल की जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की सेल्स है जो मैं ग्लोबल मार्केट में करना चाह रहा हूँ, जो कि मैं इन पैसों से करके स्टार्ट करके मार्केटिंग करके करना चाहूँगा। तो बाहर US के अंदर मेरा एक रिसेंट मैंने एक विजिट किया और वहाँ पर मैंने जब कोई पिच दी या मैंने किसी को अपने इस मॉडल का बताया तो पीपल वर नॉट आस्किंग क्वेश्चन कि यार ये कैसे हो सकता है, देवर लाइक कि कितनी किट्स मुझे वाइट लेबल में दे सकते हो या कितनी किट्स मेरे साथ मिलकर सेल कर सकते हो, तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे। तो वहाँ पर रेडी टू गो मार्केट है और मैं उसको सेल करके उस मार्केट का इम्पैक्ट पाकिस्तान में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं किट्स की सेल्स और इन द सेम टाइम मैं ये सब चीज़ें करना चाह रहा हूँ और मेरा जो पाकिस्तान में अगर मैं सिर्फ स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करूँ सिर्फ इस चीज़ के अंदर, ये $28.5 बिलियन की मार्केट है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, और अगर मैं ग्लोबली जाता हूँ तो दिस इज अ ट्रेमेंडस मार्केट। किट की क्या कॉस्ट है, आपकी बनवाई क्या है? तो बेसिकली एक किट के अंदर हम करते हैं कि हम डिफरेंट कंपनीज के पार्ट्स हैं जिनको लेकर इकट्ठा करते हैं और मेन चीज़ जो हमारी वो रेसिपीज हैं जो हमारी वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं या जो हमारी इस बॉक्स के साथ हम लोग देते हैं, और हमारी जो ये किट है ये एक 1400 से 1800 के अंदर डेवलप हो जाती है जिससे
3000 का हम सेल करते हैं। आपकी कॉस्ट 1400 रुपए है। बेसिकली हम लोग 40-50% इसमें प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं, बट इसके प्रॉफिट मार्जिन 1000% तक जा सकते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो कि 1000% प्रॉफिट रखते हैं बिकॉज वो चाइना से लेकर हम सेल कर रहे हैं। चले, अभी आपकी कॉस्ट 1400 है, तो बल्क में अभी कितनी किट बनाते हैं तो 1400 है, और अगर बल्क में बनाएंगे तो कॉस्ट क्या आ जाएगी? अच्छा, अगर हम इसको बल्क में ले जाते हैं तो ये 1000 रुपये की हो जाएगी एक किट, तो 1000 रुपये आ जाएगी। बिल्कुल। और आपकी सेल है $30 यानी 3000 रुपये की। और ये एक किट नहीं है, इस तरह के मल्टीपल किट्स हैं, तो हर किट के अंदर हमने ऑन एवरेज 40-50% अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो हर किट की कीमत $30 है या डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट प्राइसेस में। तो हम लोग कुछ भी बनाना सिखाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ड्रोन्स की किट्स हैं जिसमें आप ड्रोन बनाना सीख सकते हैं। जो आपको किट आप लोगों को मैंने दिखाई, वो किट के अंदर आप लोग बेसिकली स्टार्ट हो सकते हैं कि क्या चीज़ है असल में। जिस तरह मैंने आपको इतना ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे दिया कि आप कुछ भी बना सकते हैं, तो एक्चुअली यू नीड टू हैव अ फीलिंग कि यार कितना ईजी है ये सब कुछ, कितनी आसानी से आप स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे कि गांव में अगर जब उनको पानी मिलता है और बारियां लगी होती हैं गांव के अंदर, तो वहां पे अगर आपकी किट इस्तेमाल की जाए तो अपनी बारी पे खुद खुद मोटर ऑन हो जाएगी, बिल्कुल पंप ऑन हो जाएगा। इस तरह की हज़ारों एप्लीकेशंस हैं, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, और जो लोगों के अपने प्रॉब्लम्स हैं अगर उनको ये टेक्नोलॉजी हाथ में दे दी जाए कि वो उसका सोल्यूशन उस डब्बे में से टेक्नोलॉजी निकाल के बना सकें, तो ये तो फिर बहुत बड़ी एक मार्केट इनेबल कर देंगे। आशा, तो समा कंग्रेचुलेशंस, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इज एन एक्सट्रीमली पावरफुल and a very important activity right now. The good news is ki aapki ye jo startup jo hai DIY Geeks, it's actually part, it's already piggybacking on a global maker movement. Yes. Aur ye jo maker movement jo kareeb 10-15 saal pehle shuru hui thi California mein, phir uske baad the first investor in the maker movement in Africa was me, and then I started it in India. Now India mein har shehar mein hai maker fest. I would like to take the full round actually of 1.5 crores in Lahore and plug in with the whole network of about 15,000 other fab labs around the world, some of which I'm a part of, and we can have distributed manufacturing around the globe. So Asha, aap 1.5 crore rupees ki jo inki demand hai of setting up a fab lab in Pakistan, aap wo pura karna chahti hain inke saath? जी, वी हैव अ डील सर। आप क्या रिटर्न लेंगी इस 1.5 करोड़ का? जी, इसमें द वे आई हैव थॉट इट थ्रू, इसकी मेरे को पर्सनली रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन जो DIY Geeks जो है उसमें द प्रॉफिट शुड गो इन टू दैट, एंड आई वुड लाइक टू बी ऑन द बोर्ड सो आई कैन हेल्प देम डिसाइड ऑन हाउ टू यूज दोज प्रॉफिट्स, बट आई डोंट नीड इक्विटी राइट नाउ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज सो पावरफुल एंड सो इम्पॉर्टेंट एंड इट फिट्स द मिशन ऑफ माई फैमिली फाउंडेशन, सो कंग्रेचुलेशंस। इनकी जो मूवमेंट है इसको अगर उर्दू में कहा जाए तो ये जुगाड़ से कारोबार शुरू करने की मूवमेंट है। जुगाड़ से कारोबार, और अगर ये अचीव हो जाए 1.5 करोड़ रुपए से, ये अगर ये मार्केट डेवलप हो जाए, एक मेकर मूवमेंट शुरू हो जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आशा, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस स्टार्ट दिस मूवमेंट। ये बहुत बड़ी खबर है कि आशा ने, यू हैव बीन अ पायनियर अगेन हमारी कंट्री में, आप ये मेकर मूवमेंट को इनिशिएट करने में आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट वन। तो इसको पर हम उनको डेफिनेटली स्टेज पे बुलाना भी चाहेंगे ताकि हम इसमें सेलिब्रेट कर सकें और साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट को हम सब चेरिश कर सकें, और फिर आपके ओपिनियंस भी लेंगे आपको कैसा फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच आशा, बहुत शुक्रिया। I just think that this team, they are 6 or 7 people. I think they will start by changing the face of Lahore, yes, and they will change the face of Pakistan actually. So, wishing you all the best. God bless. How do you feel?
Yeah, I'm feeling great. So, जो मैं movement start करना चाहता था और काफी लोगों को explain कर चुका हूँ काफी अच्छे से और किसी को समझ नहीं आ रही थी आज वो खैर on करने दिया गया। आगे उन समझ आ गया कि she's been doing this for a while. I'm really excited. Thank you so much. Thank you very very much. तो आपने देखा जी आज आइडिया करोड़ों का पे एक 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, एक मेकर्स मूवमेंट शुरू हो रही है, इस प्लेटफॉर्म से शुरू हो रही है और एक पाकिस्तानी स्टार्टअप इसमें इस चीज़ को शुरू करेगा और एक सिलिकन वैली बेस्ड इन्वेस्टर एंड दैट टू अ फीमेल इन्वेस्टर ने हमारे मुल्क में इस चीज़ को इनिशिएट किया। ये बड़े प्राइड की, बड़े ऑनर की बात है हमारे पूरे मुल्क के लिए। आप हमारे शो को देखते रहें, आपको नीचे यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर का हमारा हैंडल नज़र आ रहा है, हमें प्लीज़ फॉलो करें, हमें अपना फीडबैक दें, पॉजिटिव फीडबैक भी दें, नेगेटिव फीडबैक भी दें, पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। हमारा ईमेल भी नीचे लिखा आ रहा है, ईमेल करें, हम लोग ईमेल्स पढ़ते हैं, 5-6 लोग बैठ के सिर्फ यही काम करते हैं कि आपकी ईमेल्स पढ़ें, आपको जवाब दें। आप लोग इस मूवमेंट में हमारा हिस्सा बने, हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप को मैसेस तक लेके जा रहे हैं, हम एक आम आदमी को बताना चाहते हैं कि आप अपना काम खुद कर सकते हो। ये एक आपका शो है, ये पाकिस्तान का शो है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।